राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की। तब बाल गोपाल कान्हा ने उस राक्षसी का वध कर दिया। राक्षसी पूतना का दूध पीने की वजह से श्री कृष्ण का शरीर गहरे नीले रंग का पड़ गया था। अब सौम्य और सुंदर दिखने वाले कृष्ण नीले रंग के दिखने लगे थे। कृष्ण जब बड़े हुए तो वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अब उनका गोरापन कहीं लुप्त हो चुका है। उन्हें लगने लगा कि उनका ये रूप न राधा को पसंद आएगा न गोपियों को, इसकी वजह से वो सबसे दूर हो सकते हैं। जिसके बाद माता यशोदा ने कृष्ण को सलाह दी कि वो राधा को भी उसी रंग में रंग डाले जिसमें वो उसे देखना चाहते हैं। इसी बात का हल ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाया और सारी बात बताई। अब तुम सब बताओ कि मैं राधा को रंग में कैसे रंगूं ताकि राधा भी मेरे रंग में रंग जाए। बस इतनी सी बात, हम सब मिलकर अभी गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली और बाकी सारे फूलों से रंग तैयार कर लेते हैं। जब सब रंग मिल जाएंगे तो एक नया ही रंग तैयार होगा जिस रंग में राधा को तुम रंग देना। हाँ, ये उचित रहेगा। ठीक है, तो तैयारी करो, हम सब मिलकर बरसाना जाएंगे। कान्हा ने अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर फूलों से रंग तैयार किए और बरसाना पहुँचने की तैयारी करने लगे। तभी कुछ गोपियाँ नदी तट से पानी लेकर जा रही थी। उन्होंने कान्हा और उनके सभी मित्रों की बातें सुन ली। अच्छा, तो ये बात है, ये सब मिलकर राधा को रंग लगाना चाहते हैं। हम अभी जाकर राधा को सारी बात बता देंगे ताकि वो इनके आने से पहले सतर्क हो जाए। हाँ सखी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जल्दी जल्दी चलो, हम राधा को यह सूचना देते हैं। सभी गोपियाँ मिलकर राधा के पास जाती हैं और कान्हा की योजना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर राधा मुस्कुराने लगती हैं और अपनी सखियों के कान में कुछ कहती हैं। सारी सखियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। अगली सुबह कान्हा अपने सभी सखाओं को लेकर बरसाना पहुँचते हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर कान्हा और सभी मित्र हैरान रह जाते हैं। वहाँ राधा और उनकी सखियाँ कान्हा और सभी के स्वागत में हाथ में लठ लिए खड़ी थी। कान्हा, ये इन गोपियों ने हाथ में लठ क्यों पकड़े हुए हैं? मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। घबराओ नहीं सुदामा, आओ आओ, तुम सबका बरसाने में स्वागत है। क्या कहा था सखी तुमने? कान्हा मुझे अपने रंग में रंगने वाले हैं। मैं भी देखती हूँ कान्हा मुझ पर कैसे रंग लगाता है। अच्छा, तो ये बात है, मैंने भी मैया से वादा किया था कि राधा को रंग लगा कर ही लौटूंगा। बच्चो, आज कैसे बचोगी? आज तो मैं तुम्हें रंग कर ही रहूंगा। राधा मैया कान्हा जी से बचती बचाती भाग रही थी। सभी गोप भी गोपियों को रंगने भागे। बरसाने की गोपियों ने हाथ में लठ ले लिए और गोपों से बचती हुई उन्हें लठ से डराती हैं। हंसी खुशी के वातावरण में हंसी ठिठोली करती गोपियाँ लठ बरसाती तो कान्हा और सभी गोप भी अपने आप को बचाते उन्हें रंग लगाते। गोपियाँ भी बचती बचाती रंगों से खेल रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण राधा मैया को फूलों से बना रंग लगा ही देते हैं। राधा मैया भी भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग जाती हैं। स्वर्ग के देवी देवता भी उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, मानो पूरा संसार राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेल रहा हो। वो दिन फाल्गुन के महीने के खूबसूरत दिन थे। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से रंगों की होली की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही रंग लगाने और लठ मार होली खेलने की ये परंपरा शुरू हो गई। इसीलिए आज भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और बरसाना में फूलों की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। धरती लोक पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहाँ देखो वहाँ जगह जगह हर घर हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। ये नजारा गोलोक में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज संवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे, भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूछते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं
हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहाँ आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूड़ी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है चलो, तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुँचते हैं। घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुँचते हैं। वहाँ पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो ना कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ राधा बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो ना कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। आह मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो वो सामने उस घर में चलते हैं, वहाँ लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चलो सब चलते हैं। अरे 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 ये तुम सब कहाँ चले आ रहे हो, चलो हटो बाहर जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ, तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह यहाँ तो पूड़ी हलवा सब्जी खीर, यहाँ तो बहुत कुछ है। अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ आ रही हूँ, दरवाजा बंद कर दू, चलो बच्चों यहाँ से जाओ। कान्हा इन्होंने तो द्वार बंद कर लिया, अब हम क्या करें, हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई, तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ, ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा, चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहाँ भी आरती और पूजन चल रहा था, कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला, वे चलते चलते थक गए। मानो शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी, बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं, अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा चलो इस घर में ही चलते हैं। थोड़ी और खीर दे, तुझे जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा खा लो ना, वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया, मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं, हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा ये ले, तू और ले ले, थोड़ा प्रसाद बचा है मैं खा लेती हूँ। माँ हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए, कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। रुको माँ मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, ये बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है झांकी लेकर निकले हैं, हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगाई हो, थोड़ी सी खीर है मेरे पास इन्हें दे देती हूँ, ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ ये लो तुम मेरी खीर भी इसमें से ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ मेरे में से भी ले लो, अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, मैं इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा देखो तो इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम तीनों, बताओ अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो, इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। ये लो बच्चों ज्यादा तो नहीं थोड़ी थोड़ी खीर है ये खा लो। बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा, एक काम करो थोड़ी और खीर ले आओ। दादी थोड़ी सी अपने में से दे दो ना, आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। अब क्या करूं तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो ये लो थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। सावित्री ये ले थोड़ी मेरे से भी ले ले, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे, कान्हा यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो इन सबको भी तो खीर खाने का मन है, अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य
भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही है, क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, और दे खीर। अरे, जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए, तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है। कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो, तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ तेरे कारण चुप हूँ, वरना मैं इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ। आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ हाँ, माँ कंचोर नंद किशोर हमारे द्वार आए हैं, खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं। उनके साथ साथ सुदामा और सभी सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है कि जो भी भक्त भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, अवश्य हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए, गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। सावित्री के परिवार में खुशियां देकर राधा कृष्ण और सभी ग्वाल बालों के संग वापस गोलोक लौट गए।